एवरीवन, आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो आज हम इंडियन पीनल कोड का जो केस डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है एम्पेरर वर्सेस मशनूरू सूर्य नारायण मूर्ति, जो 1912 का केस है। ये जो केस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, जिसे हलवा केस के नाम से भी जाना जाता है या कोई स्वीट, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में बहुत इम्पॉर्टेंट जो चीज है उसको डिस्कस किया गया कि कोई भी जो ऑफेंस है जो कमिट हो रहा है वो जिस पर्सन के लिए किया गया है वो उस पर्सन पे इफेक्ट ना होके अगर किसी दूसरे पर्सन पे इफेक्ट हो जाए तो क्या अक्यूज्ड पर्सन जो है वो उसके लिए लाइबल होगा, या जिस पर्सन के लिए वो जो एक्ट है वो तैयार किया गया था उसके लिए। तो ये जो पूरी बात है इसको हम इस केस के थ्रू समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो है वो जो अपीलेंट होते हैं हमारे, यानी कि अपीलेंट का नाम है अपाला नरसिंह नहुलू, ठीक है। तो यहाँ पे जो अक्यूज्ड पर्सन होता है, अक्यूज्ड पर्सन एम एस मूर्ति, वो क्या करते हैं, वो अपाला को मारना चाहते हैं। और इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज, उनकी इंटेंशन क्या है, हिज इंटेंशन टू किल अपाला, ठीक है। तो उनके जो इंटेंशन होती है वो अपाला को किल करने के लिए होती है, जिसके लिए वो उन्हें क्या करते हैं, स्वीट में पॉइजन मिला के देते हैं, पॉइजन्ड हलवा उन्हें देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो अपाला होते हैं वो उस हलवे में से थोड़ा सा उससे खाते हैं और उन्हें जो है वो अच्छा नहीं लगता और उस हलवे को वो फेंक देते हैं। अब उसके साथ ही यहाँ पे उसमें से क्या करते हैं, उसको राजलक्ष्मी, जो कि यहाँ पे इनके रिलेटिव की बेटी होती है, जो इनके घर पे अपाला के घर पे होती है, वो सलवे को लेती है और खुद भी खाती है और अपने एक फ्रेंड को भी खिलाती है। जो 8-9 साल के ये दो बच्चे होते हैं, क्या होता है कि इन दोनों की डेथ हो जाती है और अपाला क्या होते हैं, इनको ये थोड़ी सी मतलब ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो जाते हैं। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये देखने वाली है कि जो यहाँ पे एम एस मूर्ति, यानी कि यहाँ पे जो मशनूरू है, उनकी इंटेंशन होती है किसको किल करने की, उनकी इंटेंशन होती है टू किल अपाला, बट उनके कॉज की वजह से दो बच्चों की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे जो मेजर लीगल इशू अराइज होता है वो लीगल इशू ये अराइज होता है कि क्या जो एम एस मूर्ति है वो यहाँ पे इन दो लड़कियों की डेथ के लिए लाइबल होंगे या नहीं होंगे, इनके लिए दोनों की डेथ के लिए मर्डर के लाइबल होंगे या नहीं होंगे। तो अब इसके साथ ही सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट कहता है कि जब हम यहाँ पे सेक्शन 300 की बात करते हैं तो सेक्शन 300 और सेक्शन 299 दोनों में यहाँ पे जैसे कि कल्पेबल होमिसाइड पे बात करता है और एक मर्डर की, तो यहाँ पे ये देखा जाना जरूरी है कि जो कॉज है वो कॉज क्या है और उस कॉज के साथ साथ जो इफेक्ट हुआ है, क्या उस कॉज का इफेक्ट वही हुआ है जो प्रिपेयर किया गया था। अगर जिस चीज की प्रिपरेशन और इंटेंशन थी, यानी कि मेरी इंटेंशन है कि मैं क्या करूं, इसमें इस केस पर आते हैं, इनके इंटेंशन थी कि मैं इस पॉइजन हलवे से किसी की डेथ, यानी कि इंटेंशन टू किल, किसी को मारूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस केस में कि जो मशनूरू की इंटेंशन थी, हालांकि अपाला को मारने की थी बट उसकी जगह कोई और मर गया उस चीज को खाने से। कॉज ऑफ एक्शन, यहाँ पे एक सिक्वेंस की चेन है, उस कॉज की यहाँ पे चेन जो है वो जहां तक जाएगी वो पर्सन उस चीज के लिए लायबल होगा। और इसके साथ ही यहाँ पे कोर्ट क्या करती है, उसको कन्विक्ट करती है 302 में गिल्टी ऑफ मर्डर, और यहाँ पे जो है वो कल्पेबल होमिसाइड या इस बात की प्ली बिल्कुल नहीं ले सकते कि मेरी इंटेंशन जो है वो अपाला को मारने की थी और ये दो लड़कियों की डेथ हुई है तो मैं इसके लायबल नहीं हूंगा। तो कोर्ट यहाँ पे इसे हलवा केस भी कहते हैं, तो इसको यहाँ पे क्या कहती है कि हाँ ये यहाँ पे लायबल होगी और इस डिसीजन को जो है वो क्या करती है, हेल्ड करती है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।